नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संजोस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम फिर से करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी सरोद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोद। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया है? ऑप्शन ए कुरनूल, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरावती। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए पुगलिया, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुगलिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 24 जून। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जून। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर के राधाकृष्णन, ऑप्शन बी सुभाष कुमार सिंह, ऑप्शन सी प्रदीप सिंह खारोला, ऑप्शन डी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर के राधाकृष्णन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंबुबाची मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी T20 विश्व कप किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जून 2024 में भारत सरकार स्वीकृत राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, ऑप्शन सी शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाना, ऑप्शन डी परिवहन प्रणाली विकसित करना। हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।